नमस्कार दोस्तों, होली के गुलाल आज हम घर पर बनाएंगे। एकदम जो हमारे घर में सामान मिल जाएगा बस उसी से, कुछ भी बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये केमिकल फ्री होगा। तो बहुत ही टेंशन फ्री होकर आप अपनी फैमिली के साथ होली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, कोई भी बॉडी पाउडर आप ले सकते हैं, नाइसिल लिया है मैंने, और फूड कलर, ये जेल फूड कलर है, आप पाउडर या लिक्विड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कप कॉर्नफ्लोर में हम आधा कप पाउडर मिलाएंगे। आप कोई भी टैल्कम पाउडर ले सकते हैं, मैंने नाइसिल लिया है, मेरे पास था, और इससे काफ़ी ठंडा ठंडा सा इफ़ेक्ट आता है, इसलिए गुलाल में ये बढ़िया रहता है। तो आधा कप पाउडर को एक कप कॉर्नफ्लोर में मिला देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके साइड में रखेंगे। बिल्कुल मेहनत नहीं लगती और काफ़ी सारा गुलाल काफ़ी अच्छे तरीके से हम घर में बना सकते हैं। अब हम चार प्लेट लेंगे, प्लेट ऐसी लें जिसमें दाग ना पकड़े। फाइबर की प्लेट लेंगे तो शायद दाग पकड़ जाएगी, तो मेटल या कांच की लें। अब इसमें सभी जेल कलर दो दो ड्रॉप डालेंगे, अगर पाउडर और लिक्विड कलर है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब इसमें एक एक बड़ा चम्मच हम पानी डालेंगे सभी प्लेट में अलग अलग, और इस बात का ध्यान रखना है कि कलर को मिक्स करने के लिए स्पून भी हमें अलग अलग यूज़ करना है, वरना सभी कलर एक दूसरे में मिक्स होकर अच्छा नहीं होगा, बनेगा बाद में। तो चार प्लेट और चार स्पून आप पहले से रेडी रख लें। अब सभी कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें इक्वल क्वांटिटी में हम जो पाउडर हमने मिक्स करके रखा था वो मिलाएंगे। उसके पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर दो दो ड्रॉप रोज एसेंस, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ताजगी से भरी हुई गुलाल बनेगी आपकी। तो पहले एक एक बड़ा चम्मच डाला है, फिर थोड़ा थोड़ा और डालकर ऐसे चार बराबर भागों में डिवाइड करके सभी प्लेट में डाल दिया। यहाँ पर मैंने बर्तन भी बहुत कम यूज़ किया है, जिस प्लेट में हमें सुखाना है उसी प्लेट में कलर भी घोल लिया है, तो परेशानी कम होगी और काफ़ी कम झंझट में ये गुलाल बनकर तैयार हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी और पानी भी ऐड कर सकते हैं। सभी पाउडर को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करना है कलर में, जब तक एक सार कलर ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी और डाला था मैंने ताकि कलर काफ़ी अच्छे से बने और एक समान बने। तो ये स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए किसी छाया वाली जगह में सूखने के लिए रख देंगे। जितना भी टाइम लगे अच्छे से सुखाना है। गर्मी के दिन में जल्दी सूख जाएगी, लेकिन ठंड हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो अगले दिन मेरा ये सूख कर एकदम तैयार हो गया था, तो इस तरह से खुरच देंगे तो निकल जाएगा। अब इसे हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे, तो हमारा गुलाल का पाउडर तैयार हो जाएगा। लेकिन हर कलर को पीसने के बाद ग्राइंडर को एक बार अच्छे से पोंछ लेना है ताकि कलर मिक्स ना हो। तो एक एक करके मैंने सारे कलर को ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ सा पाउडर बनकर तैयार है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और जहाँ पर मैंने इसे सूखने के लिए रखा था, जब भी उधर से गुजरती थी तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत ही अच्छी गुलाल बनकर तैयार है। होली की तैयारी में आप इसे भी शामिल करें। मिठाइयाँ तो आपने बना ही रही होंगी और काफ़ी सारी रेसिपी भी देख रही होंगी मिठाइयों की। तो इस बार हर्बल गुलाल बनाकर अपने फैमिली के साथ होली एंजॉय करें। और होली एंजॉय करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।